अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी हैज़ चार्ज क्यू एंड स्टोर्ड एनर्जी इज़ डब्ल्यू। ये एनर्जी स्टोर्ड है शुरू में और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सी के इक्वल है। इफ़ द चार्ज इज़ इंक्रीज्ड टू टू क्यू, अगर चार्ज को डबल कर दिया जाए द स्टोर्ड एनर्जी विल बी, तो एनर्जी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो इनिशियल एनर्जी का 1/4 होगी यानी डब्ल्यू ओवर 4 या डब्ल्यू ओवर 2 या डबल हो जाएगी या 4 टाइम्स हो जाएगी। तो हम ये जानते हैं कि एक कैपेसिटर पे जो स्टोर्ड एनर्जी का फॉर्मूला है वो है 1/2 क्यू स्क्वेयर ओवर सी। यहाँ पे ये क्यू चार्ज है और ये सी कैपेसिटेंस है, चार्ज का स्क्वेयर है। तो हम कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज बढ़ा रहे हैं, कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं होगी कैपेसिटर की। कैपेसिटेंस को बोलते हैं एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी वही है, हमने चार्ज को डबल कर दिया। तो जब ये चार्ज क्यू से टू क्यू होगा तो नई एनर्जी ई प्राइम कह लेते हैं, वो होगी 1/2, चार्ज को डबल करके टू क्यू कर दिया तो ये एनर्जी बनेगी 1/2 4 क्यू स्केयर ओवर सी। मीन्स ये नई एनर्जी को हम लिखेंगे ई प्राइम इज इक्वल टू, और इस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 1/2 क्यू स्केयर ओवर सी। इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन 2 का। हमने इस इनिशियल एनर्जी और बाद वाली एनर्जी को कंपेयर करना है तो हम इक्वेशन 2 को 1 पे डिवाइड कर देते हैं। 2 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 पे तो ये बनेगा ई प्राइम ओवर ई, इसको इस पे डिवाइड किया इज़ इक्वल टू 4 × 1/2 क्यू स्क्वेयर ओवर सी ओवर, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है 1/2 क्यू स्क्वेयर ओवर सी। तो ये आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट में टर्म सेम है, कैंसिल होंगी, यहाँ पे 4 है तो नई एनर्जी ई प्राइम होगी, इस ई को इससे मल्टीप्लाई करें तो 4E, यानी इनिशियल एनर्जी का बन जाएगी 4 टाइम्स। और इनिशियल एनर्जी हमें बताई गई थी कि वो W के इक्वल है, ये तो मैंने जनरल फार्मूला लिखा था और ये वैल्यू बताई गई थी कि W के इक्वल है। तो जो नई एनर्जी है वो 4W बनेगी, यहाँ 4 भी आएगा साथ। तो चार्ज डबल करने से कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। सो करेक्ट ऑप्शन इज D। शुरू में एनर्जी W है, चार्ज डबल करने से एनर्जी 4W के इक्वल हो जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज होगी।